भाई बोल दो दीदी जा रही है, बाय बाय। सुन ही नहीं रहा पागल। नहीं ये ओवर एक्टिंग, ओ देखो ओवर एक्टिंग। हाउ फेक, दिस मच फेक। और ये देखो भाई एक लेवल होता है, सुबह भाई अपने फूड के लिए रेडी है 6:30 बजे की मेरा फोन के सिग्नल गायब है। अरे कोई है भैया? सुनाई देगी। अरे भैया वैसे कूड़े को तो मैं हमेशा साथ लेके चलती हूँ, नो डाउट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेंज में व्लॉग। सर अभी हम लोग निकल रहे हैं बाय में, चलो आ जाओ। तो बाहर आ गई कैब, बाय बोल दो बेटा, दीदी जा रही है। बोलो बोलो अपना की दो। बाय बोला ही नहीं बेचारे ने, बाय बोल दो दीदी जा रही है, बाय बाय। सुन ही नहीं रहा पागल। शाबाश। और ये हमारे बीच में एक इंस्टाग्राम का रीलर बैठा है, स्टोरी अपलोड करो, कहाँ जाना जल्दी करो तो सही। ओह अच्छे से लोकेशन नहीं मिली। बेचारे ने कैमरा ओपन कर रखा है कि एक बढ़िया सी लोकेशन मिलेगी जहाँ पे मैं अपनी स्टोरी अपलोड करूंगी। कुछ ऐसा ढूंढो ना जिसपे मतलब वो जिसकी स्टोरी डले और उस पर लिखा जाए लाइफ इज ब्यूटीफुल एंजॉयिंग टू द फुलेस्ट। यस वही ढूंढ रही हूं। एक स्टोरी बनाने के लिए देखिए गाइस कितना संघर्ष करना पड़ता है। क्या फॉर यू इट्स अ स्टोरी, फॉर मी इट्स एन इमोशन। यू डोंट नो द वैल्यू। तो इंस्टाग्राम को जो स्टोरी का ऑप्शन है उसे चेंज करके इमोशन डाल देना चाहिए। Exactly. नया अपडेट आया तो हम लोग पहुंच गए हैं, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है बट द थिंग इज कि हम एक घंटा पहले पहुंच गए और अरुण हर बार इल्जाम मेरे पे लगाते हैं, पता नहीं कैसे शक्स है। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक घंटा पहले नहीं पहुंचे हम, अभी ऊपर जाते जाते 15 मिनट लग जाएंगे हमें। ओके हाँ कह रही है मुझे जल्दी लेके आ गए, जल्दी लेके आ गए। पता है जल्दी क्यों आए? क्योंकि अब इनकी बनाएंगे हम रील भैया खड़े होके। ठीक है अगर हम टाइम पे आए होते तो आपकी रील कैसे बन पाती? बढ़िया आ रही है, एक नंबर। वाह वाह भाई बढ़िया, मर गया। इस बढ़िया शायरी लगा देना, बढ़िया एक नंबर। बोल बोल के ब्लॉग शूट कराया जा रहा है, कौन करते मेरा ब्लॉग शूट करते, ब्लॉग शूट करते बताओ। जबरदस्ती की जा रही है, भार बढ़ाने का चलो कुछ तो फायदा हुआ कि बैग जो पहले मैं उठाती थी अब ये उठाते हैं। और देखना ये ओवर एक्टिंग, ओ देखो ओवर एक्टिंग। मैं नहीं कर रही, मैं नहीं जानती इस शख्स को, ओवर एक्टिंग की दुकान है ये। बहुत भारी है, बहुत भारी है। मैं नहीं जानती इस इंसान का हाथ दर्द होने लगे इस फोन को हाथ में पकड़ के शूट करने में। हाँ। हमारे हाथ में टूटे इसको उठाने में। हाँ। सुबह सुबह यार इतनी चहल पहल, तो मैंने फिर से उठा लिया, बहुत भारी है। और पता है लिफ्ट थी भाई, लिफ्ट से आई नहीं, कह रही स्टेयर से चलेंगे, मेरे को ना लिफ्ट में चलना नहीं है, सुबह सुबह एक्सरसाइज हो जाएगी इसी बहाने। ये बोल बोल के ब्लॉग शूट कराया जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। अरे पहुंच गए तो बता दो, अपडेट तो दे दो कि हम स्टेशन पहुंच गए। हाँ, ये देखो पटरी, ये है, इसको पटरी बोलते हैं। इस पे हमारी रेलगाड़ी आएगी 22447। इस पे किसी किसी का कुछ नहीं दिख रहा। जब से जीना राम का रखा था जल्दी आ गए, जल्दी आ गए। मुझे पता था कि तुम्हें बहुत सारी फोटो खिंचवानी है इसलिए हम जल्दी आए थे। अब इनका फोटो सेशन स्टार्ट होता है एंड ये एक घंटे चलता रहेगा। Okay, मेरी गलती कि हम जल्दी आए। और ये हमारे साथ विदेशी बाबू आ गए हैं। नेक्स्ट लेवल शिट, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल शिट, सी दिस शिट गाइस। लाओ मेरे को दे दो, कंधे में दर्द है तुम्हारे। इसमें है, इसमें इस वाले में हाथ उठा, हाथ उठाते टाइम तो नहीं होता है। कह रही है अरुण देखो तारे ना आज कितने नीचे आ रखे हैं। मैंने कहा पागल हो, टावर के ऊपर लाइट जल रही है, तारा नीचे कैसे आ गया इधर देखिए। भाई ये चीज देख के ना मुझे सच में बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा फील हुआ। चल रहे हैं, मेरी तुम रील बनाओ, मैं यहाँ से आऊंगा उधर से। अबे नहीं कि देश प्रगति कर रहा है, रील से ऊपर उठ। भाई मैं ना नहा के आया हूँ सुबह सुबह भी। पता मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है मैंने इवन बाल भी धोए हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं नहा के आऊंगा और ये इंसान नहा के नहीं आएगा। यार मेरे को ना मतलब ट्रैवल वगैरह में कहीं जाते ना मुझे बहुत वेस्ट माय टाइम।
मेरे को जब पता मैंने सोने ही जाके फिर से नहाना नहीं और पता क्या और पता क्या सिर्फ एक घंटे सोए और एनर्जी लेवल देख रहे हो डेढ़ दो बजे सोया था दो ढाई बजे सोने कहाँ दिया पूरी रात चबड़ चबड़ रखी भाई इस इंसान ने फोन टूट जाएगा पटरी पे हाउ फेक दिस मच फेक नहीं यार मजाक कर रहा हूँ ना एक बढ़िया सी फोटो खींचो ना मेरी मुझे ना यार ये रियलाइज हुआ कि हमेशा ना स्टेशन टाइम पर आओ क्योंकि पहले आने पर ना ये होता है ये घर से ना प्रिपेयर होके आई थी ड्रेस पहन के कि घर वहां जाके मुझे फोटोज खिंचवानी है वरना ये इंसान हमेशा लोवर में आता था स्टेशन पे ओ भाई ये देखना यार भीड़ देख रहे हो सुबह 6 बजे देख रहे हो एंड ये जो अभी स्टार्ट हुई है वंदे भारत ये आ रही है सो वेलकम देखो हमारा देश तरक्की तो कर रहा है ऐसा नहीं है ये बिल्कुल नई फैसिलिटी हम लोगों के लिए एंड बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है सो हम लोग पहले मतलब बनारस वाली में जा चुके हैं हाँ पर ईस्ट की सीट ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है एज कम्पेयर टू दैट ट्रेन यार मुझे ना भूख लगी एंड ये हमारी सीट चलो ना खुल गया पागल मैं हील बनाऊंगी ना इसमें चढ़ते हुए भी अरे यार ये इतनी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है ना इतनी ज्यादा कह रही है मैं इतनी क्यूट लग रही हूँ मेरी जब से ना यहाँ बैठ के इतनी फोटोज अरे मतलब इंसान मेरे को बताओ इंसान को खुश रहना चाहिए ना लोग ढूंढते हैं खुश रहने की वजह मैं एक पागल इंसान जो खुद में खुश रहती हूँ बताओ इससे ज्यादा और अमीर इंसान कैसे हो सकता है सेल्फ ऑब्सेस्ड कहाँ बुरा है सेल्फ ऑब्सेस्ड होना मुझे बताओ नहीं पर खुश इंसान वो होता है इंसान वो खुश होता है जो खुद खुश रहे वो खुशी कभी खुशी नहीं होती जो दूसरों को परेशान करके तुम्हें हेडेक है भाई सुबह से 753 फोटोज खींचने के बाद कौन सा इंसान खुश रहेगा सुबह से 118 रील्स बनाने के बाद एक घंटे में कौन सा इंसान खुश रहेगा ये तो ऑन कैमरा कैप्चर हुआ है ये तो सही हो गया ना 5 घंटे जिस दिन लड़ाई हुई बैग उठाया तुम 3 बजे सो के मैं 4 बजे उठूंगी पर बैग उठा के बिना जब जाओ ना तो मतलब 8-10 दिन रुको मतलब घर पे ओके हाँ मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट डे आ जाओ 8-10 दिन रुको ताकि मुझे भी सुकून मिले नहीं एहसास हो ना कि मैंने लड़ाई करके गलत की मतलब तुम उसको यू आर द शेटेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट हु नेवर रियलाइज कि उसकी गलती है तो जाए करो 8-10 दिन के लिए बल्कि 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए वो क्या आएगा जैसे 10 दिन यहाँ रह गए 15 दिन वहाँ और ये देखो भाई एक लेवल होता है सुबह भाई अपने फूड के लिए रेडी है 6:30 बजे कि मेरा फूड आ रहा है और ये पूरी प्रेपरेशन कर रही अभी बज रहे हैं सुबह के 7 इन्होंने देख लिया अपना ये रिश्ता क्या कहलाता है अब चले गए हैं सोने एंड मेरी स्टार्ट होती है एडिटिंग अब मुझे करनी है एडिटिंग व्लॉग की एडिटिंग थंबनेल्स वगैरह बनानी है जो उपासना की दुनिया है एंड कुछ शायरी वाला कंटेंट जो शूट कर रखा है वो एडिट करना है सो यार ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है राजकुमारी को उठाना होगा राजकुमारी आपका गुड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आ गया है राजकुमारी भोजन की तोहिन ना करें पोहा कटलेट ये जूस एंड ये भी कुछ है राजकुमारी सो के उठ गई हैं एंड वी हैव रीच चंडीगढ़ जी मैं वॉशरूम में खड़ी हूँ और ये दरवाजा अटक गया है ये भाई फंस गया मेरे फोन के सिग्नल चले गए हैं तो मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ तब से ओ भाई इससे बुरा क्या होगा मैं ट्रेन में फंस गई मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ ओ यार और मेरे फोन के सिग्नल गायब है अरे कोई है भैया भैया भैया
अभी मैं तो नहीं कह रहा कि ट्रेन के वॉशरूम में बंद हो जाऊंगी कि यहाँ पे खड़ी हूँ और ये दरवाजा बंद हो गया है भाई साहब, फोन में सिग्नल नहीं आ रहे और कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा क्योंकि इतनी चलती ट्रेन में आवाज किसको सुनाई देगी। अरे भैया, फाइनली ये वॉशरूम खुल गया जिसके अंदर मैं फंसी थी। ये क्या एक्चुअली राउंड शेप में, और ये भैया कह रहे हैं कि अभी जैसे न्यू है ना, ये थोड़ा सा जाम हो रहा है, इसको ठीक करवाने में टाइम लगेगा, बट थैंक गॉड वो आ गए। बस यार हमें शायद 40 मिनट्स लगेंगे यहाँ से, हम पहुँचने वाले हैं। अब आने वाला है नंगल डैम, बहुत ही खूबसूरत जगह, जब भी मौका मिले आप लोग जरूर घूमने आओ। इस टाइम तो वेदर भी इतना अच्छा हो गया है हिमाचल में, लाइक दिल्ली में तो अभी गर्मी है बट हिमाचल में बहुत अच्छा वेदर हो रखा है। और अभी क्या हुआ कि मैं ना वॉशरूम में फंस गई, उसका डोर जो है वो लॉक हो गया अंदर से पूरा, और अरुण भी वॉशरूम में ही है। मैं हम दोनों एक साथ नहीं गए थे, पहले मैं फंस गई थी, अब वो दोबारा गए। ट्रैफिक होता है। अब बताओ ये खूबसूरती दिल्ली में लोग कहाँ ढूंढेंगे। दिल्ली में ऐसे पहाड़ सिर्फ कूड़े के दिखते हैं और यहाँ पेड़ और मिट्टी के। वैसे कूड़े को तो मैं हमेशा साथ लेके चलती हूँ, नो डाउट। मैं इसके बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। फाइनली हम आ गए अम्ब। अम्ब दो साल में भूलना भी नहीं आया। अम्ब 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 तो यार हम लोग अब पहुँच गए हैं। अम्ब अम्ब अरुण को यही चीज बोली थी मैंने, अरुण जैसे मतलब बुजुर्ग होते थे जैसे आसपास के घरों में हम लोग देखते थे, तो मतलब कितने सारे बुजुर्गों का ये सपना था कि मतलब हम लोग के इस एरिया में रेलगाड़ी कब आएगी, मतलब जब हम सुनते थे उन लोगों को। ये देखो ये ना ऐसे इससे डिटैच होता है। तो हम उन लोगों को सुनते थे कि अच्छा रेलगाड़ी आएगी, शुरू होगी, तो मतलब जब हम छोटे छोटे थे ना बोलते थे बच्चा अच्छा उधरे तो रेलगड्डी जाती है साढ़े इधर भी आनी। लेकिन अब धीरे धीरे टाइम के साथ वो प्रगति हो रही है तो वो चीजें बहुत अच्छी लग रही है। मतलब आज लिटरली इसको स्टार्ट होने के बाद तो एक डेवलपमेंट का लेवल यहाँ पे बढ़ गया है। सो फाइनली पहुंच गए हैं छोले भटूरे खाने को। यार बहुत तेज भूख लगी है सच में, सच में पेट दर्द हो रहा है। उम्मीद थी कि पता बहुत कुछ मिलेगा, मिला वैसे नहीं खाने को। यार नाश्ते में तो यही आता है 11 बजे तक, तो थोड़ा था यार, थोड़ा था क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए यार। तो यार आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं। देखो बाल देखो कितने सिल्की हो रखे हैं। देखो ये उपासना की दुनिया की होम रेमेडी, ये उपासना की दुनिया की होम रेमेडी का कमाल है। और अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है किसी भी बीमारी के लिए तो ये जो नंबर यहाँ पे दिया आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ, मैं रिव्यू शेयर करूंगी। अगर आप लोग ना पिगमेंटेशन से परेशान है ना, आपको लगता है कि बस कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना। दिस इज द राइट प्लेस आपके पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए। मैं टॉपिक डाल रखी थी। हाँ तो एंड करते हैं इस वाले व्लॉग को यहीं पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग से व्लॉग आने वाले हैं तो देखना मत। अभी हम जा रहे हैं शायरी शूट करने। ठीक है तो इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय। तो ये पेशेंट है रानो, इनका भी पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैम आप शेयर कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस। हाय, यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। पहले जैसे मैं आई थी तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि मैं बहुत जगह होकर आई हूँ, मुझे रिज़ल्ट कुछ खास नहीं मिले। यहाँ आकर भी मुझे डाउट था, पर मुझे 10 डेज सिटिंग के बाद बहुत फ़र्क पड़ा है। सबने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी किया है कि आपकी स्किन आगे से साफ हुई है, तो आई एम सेटिस्फाइड, फुली सेटिस्फाइड। ठीक है। और आपको इंटरनल मेडिसिन लेने में कोई इशू? नहीं, मुझे इंटरनल मेडिसिन लेने में कोई इशू नहीं है। मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ और आगे कंटिन्यू भी करूँगी ताकि ये और क्लियर हो जाए पूरा ये। अच्छा, आप अपने पैच पे दिखा दीजिए। मतलब पहले आपका बहुत ज़्यादा ये पैचेस डार्क थे पूरे, अब बहुत ज़्यादा लाइट हो गए और धीरे धीरे ये इसका फर्क पड़ रहा है लाइट। मतलब इवन ये ब्रेक डाउन होने लग गया है और नीचे से आपके नेचुरल स्किन वो आ रही है। ठीक है, तो फेस ग्लोइंग भी कर रहा है, तो मतलब आप सेटिस्फाइड हो। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो सकती? नहीं हो सकता। ठीक है, अब लग रहा है कि पिगमेंटेशन जो है वो क्लियर हो सकता है, साफ हो सकता है। थैंक यू। मतलब ऐसा आपको कैसे, मतलब प्योरली हर्बल ट्रीटमेंट से आप सेटिस्फाइड हो ना? कोई केमिकल्स से नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, प्योर हर्बल है। और हमारे थेरेपिस्ट के साथ कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छे हैं वो लोग, बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं आप लोगों को, बहुत सेटिस्फाइड करते हैं कि यहाँ अगर आप आए हो तो अच्छा ही होगा आपके साथ। थैंक यू। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। थैंक यू।